सांस रेड करने के लिए आ रहा है बाना की टीम की ओर से। बाना की ओर से जबरदस्त रेडर रनिंग पॉइंट लेना चाहते थे हैंड टच करके, लेकिन असफल रहे। इस बार पांच नंबर के जो प्लेयर हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे शुरुआत से ही माहौल बनाने का प्रयास पिछले मैच में देखे थे, थोड़ा संयम से खेले, लेकिन इस मैच में देखा जा सकता है काफी आक्रामक खेल खेला जा रहा है स्टार्ट से ही। विजय साहू जी, निश्चित तौर पे स्टार्ट से ही आक्रामकता जो है अपनाई है, रणनीति अलग बनाई होगी इस बार, मेरे को ऐसा लगता है। जी हाँ, बहुत ही आक्रामक खेल दोनों ही टीम खेल रही है अभी तक। पांडा भी अपने डिफेंड में बहुत ही जाने माने टीम है, पिछले वर्ष की उप विजेता शायद। मैं तो कहना चाहूंगा अभी तक जितना भी मैच हुआ उसमें इतना अग्रेसिव कोई प्लेयर नहीं दिखे, सभी प्लेयर इतना अग्रेसिव के साथ खेल रहे हैं कि पॉइंट लेके ही वापस आएंगे ऐसा। पुनः पांडा की तरफ से आया 10 नंबर की जर्सी पहने रेडर भाकर रेडर लंबे कट के किक आउट करते हैं, दो टच करने का प्रयास भी करते हैं, हाँ। अच्छा लगाते हैं। गणपत साहू, गणपत साहू ध्यान से खेल देखेंगे, निवेदन है। गणपत साहू संयम से खेल देखें। चलिएगा, गणपत साहू अगर उतई की टीम जीतती है तो गणपत साहू की तरफ से 101 रुपए का प्राइज मनी रखा गया है। संयम बनाए रखे दर्शक। हाँ, तो वही पे पांडा की टीम अगर जीतती है तो रवि साहू द्वारा 501 रुपए का इनाम दिया जा रहा है नगद। 1001 रुपया उतई के टीम के लिए। अगर उतई के टीम जीतते इस मैच को तो गणपत साहू द्वारा 1001 रुपया देने का घोषणा किया गया है। जोरदार ताली गणपत साहू के लिए, जोरदार ताली। चलिए, काफी आक्रामक मैच खेला जा रहा है अभी उतई वर्सेस पांडा के मध्य। लॉन्ग गिरा है, दर्शक काफी उत्साह से भरे हुए, खासकर हमारे गांव के हमारे मित्र साथीगण इतने उत्साह से भरे हुए हैं कि उनका आवाज ओंद्रा गांव में पूरा गूंज रहा है। चलिए, फर्स्ट हाफ का 3 मिनट का खेल पूर्ण हो चुका है। चलेगा, 1 नंबर की जर्सी पहने रेडर जो डेली रेड करते हैं अपने टीम के लिए, वही जा रहा है रेड करने के लिए। काफी अग्रेसिव प्लेयर है देखने को मिला है, हैंड टच करने का प्रयास करते हैं और पॉइंट लेके ही आते हैं, कभी कभी पकड़े जाते हैं अलग बात है। चलिए, 1 नंबर की जर्सी पहने उतई के स्टार प्लेयर, लगातार दोनों ही टीमों के द्वारा आक्रामक खेल खेला जा रहा है, आक्रामक लेकिन समझदारी से भरा गेम। अभी तक किसी भी प्लेयर ने किसी भी प्रकार की जो है गलती नहीं की है, रेडर हो, डिफेंडर हो, ऑलराउंडर हो। जी हाँ, किसी भी प्लेयर ने कोई खास गलती नहीं की है पिछले मैच से, तो हमें जोरदार मैच देख सकते हैं अभी, काफी आक्रामक मैच है अभी। चलिएगा, रवि साहू जो कि पांडा की टीम के लिए अगर जीतती है तो 501 रुपए देने का इनाम की घोषणा किए हैं, उनका जो इनाम की राशि है आ चुकी है। आयोजक समिति का कहना है अगर यहाँ पे आप इनाम दे रहे हो तो नगद आपको देना पड़ेगा, सो आयोजक समिति को मैं सौंपता हूँ 501 रुपए। और साथ ही साथ मैं आग्रह करना चाहूंगा गणपत साहू से, आप भी उतई के टीम के लिए जो इनाम की राशि प्राइज मनी रखे हो 1001 रुपए अभी नगद ला के रखेंगे समिति के पास, ध्यान देंगे, आयोजक समिति का नियम है और निर्णय है।
अगर आप पीछे हटना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है, माफी मांग लीजिए। चलिए फर्स्ट आपका 5 मिनट का खेल पूर्ण हो चुका है और अंतिम 2 मिनट के खेल में किस तरह का खेल खेलते हैं फर्स्ट आपके देखने योग्य बात होगी। उतई अभी फर्स्ट आपका अंतिम 1 मिनट, लेकिन अभी भी दोनों टीमों का स्कोर 0, किसी टीम ने खाता भी नहीं खोला है अभी तक, मात्र आक्रामकता ही दिखाई दे रही है लेकिन अभी तक खाता नहीं खोला है, ना तो रेड में ना डिफेंड में। इसी प्रकार खेल चलता रहा तो आयोजक समिति कुछ अन्य निर्णय ले सकती है 2-2 के संबंध में, निश्चित तौर पे 2-2 के संबंध में सोचेंगे आयोजक समिति अंपायरगण। अगर 7 मिनट तक कोई पॉइंट नहीं लाते हैं तो शायद ये फर्स्ट आपका अंतिम रेड हो सकता है। और बहुत ही सुंदर रेड, देखते हैं अंपायर का निर्णय क्या होगा। और फर्स्ट हाफ की समाप्ति, अंपायर अपना निर्णय बताएंगे, अंपायर और खिलाड़ियों से झगड़ा नहीं करेंगे, कमेंट करते हैं ध्यान देंगे। अभी स्कोर है 5-1। पट्टी की आवाज जो है दर्शकों के कानों तक पहुंचनी चाहिए, आपको पहले भी समझाया गया है, अगर नहीं है आवाज होने में कोई दिक्कत है तो बताइएगा, सलेंसर का जुगाड़ है। काफी स्लो मुकाबला, अभी तक मात्र 1 ही पॉइंट मिला है दोनों टीमों को मिलाकर। रेडिंग स्टाइल देखिए रेडर का, क्या जबरदस्त रेड करते हैं, काफी समझदारी के साथ 3 पॉइंट सुपर रेड। बिना किसी नंबर की जर्सी पहने आपका लगभग 1 मिनट और 40 सेकंड का समय बीत चुका है। और एक चीज और बता देना चाहूंगा आपको, सुपर टेकर अगर पकड़ने में सफलता हासिल करते हैं उतई के प्लेयर तो 2 पॉइंट मिलना था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, 3 नंबर का प्लेयर आया है पकड़े प्लेयर। नंबर की जर्सी पहने रमाकांत, जबरदस्त डिफेंडर माने जाते अपनी टीम के लिए। यहाँ पे दर्शकों में भारी उत्साह जैसा हो जी क्यों ना हो, अच्छे से आनंद मुकाबला, निश्चित तौर पर दूर दूर से दर्शक आए हुए हैं, हमारे पास 50 किलोमीटर तक के दर्शक यहाँ देखने के लिए आए हुए हैं और निश्चित तौर पर आए हुए हैं भाई, मजाक वाली बात नहीं। जी हाँ, सुपर टेकल ऑन है, अगर यहाँ पे रेडर को आउट कर पाते हैं तो, लेकिन 2 पॉइंट मिलेगा फिर से पांडा की टीम को। ऑल आउट का खतरा बन रहा है अब उतई की टीम में, ऑल आउट का खतरा, ऑल आउट से बचा पाता है कि नहीं देखने योग्य बात। काफी समझदारी से काम कर रहे हैं यहाँ दर्शकों में भारी उत्साह, जबरदस्त तरीके से ऑल आउट करते हुए
पहला जो है फोटो के लिए नीतीश कुमार जो 100 रुपए का आपका खेल फिर से स्टार्ट। दो पॉइंट मिला और निश्चित तौर पे रीडर आउट। एक पॉइंट मिला कांदा की टीम को। बहुत ही सुंदर खेल खेल रहे हैं अभी तक। दो पॉइंट मिला पांडा की टीम को, लगातार पॉइंट से पॉइंट अर्जित कर रहे हैं, लेकिन उतर की टीम अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल सकी है। दर्शकों में भारी उत्साह, कोनो का हाथ ही जगह दे, कोनो का हाथ ले ले, कोनो का हाथ उठा ले, क्या कहना चाहते हो जय आप मन है। एक चीज कहना चाहूँ ओकर बात कहूँ तिलक भाई, पांडा की टीम अगर कोई भी सुपर रेड लाते हैं तो उसको अगर कोई भी सुपर रेड लाते हैं कोई भी रेडर तो हर रेड में 100 रुपए का इनाम। सुपर रेड में जो सुपर रेड रहेगा कोई भी रेडर लाए उसमें 100 रुपए का अलग से इनाम रखा गया है रवि साहू द्वारा लड़ाई ठेकेदार। इस मैच का अंतिम 1 मिनट और 40 सेकंड का समय से आज जबरदस्त लगातार प्रदर्शन, काफी सुंदर खेल खेल रही है अभी तक। उतई ने तो अपना खाता भी नहीं खोल सका है। निश्चित तौर पे एक थोड़ा दबाव देखने को मिला, कोचेस की जो कमी है उतई की टीम में नजर आती हुई, और जो कोचेस की जो भरपूर मात्रा पहला के पास है उनकी जो टीम है वो एक अलग ही वे में चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि और ये 1 पॉइंट का यहाँ पे दावा ठोका है। निश्चित तौर पे दावा कबूला गया, 1 पॉइंट फिर से मिलेगा पांडा के टीम को। जाने जाते हैं पांडा के टीम पाटन अंचल में, और यहाँ पे अंतिम 55 सेकंड का ही समय शेष रह गया है इस मैच को पूर्ण होने में। अब मात्र औपचारिकता ही कहा जा सकता है। भानु प्रताप साहू आप लक्ष्मण कुमार इरवानी से मिलेंगे मंच में, और ये इस मैच में मात्र 40 सेकंड का ही समय शेष रह गया है। 10 नंबर की गलती पर रीडिंग करने के लिए जाने जाते हैं अपने अंचल में ताबड़तोड़ रीडिंग करने के लिए। सुपर रेड तो आया आ नहीं रहा है अभी, शायद यह इस मैच का अंतिम रेड हो सकता है। इस मैच का अंतिम रेड और उतई का पॉइंट अभी खाता भी नहीं खुला, और ये पग आ गया बहुत ही भरपूर, लेकिन जो सफलता है टाइम आउट इस प्रकार